ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं दैनिक महाभाग्यशाली राशियां। 5 सितंबर 2019 गुरुवार का दिन है। भादो मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। संतान सप्तमी, संतान साते या मुक्ताभरण सप्तमी का महापर्व इस दिन मनाया जाएगा। यदि आप संतान सप्तमी से संबंधित कोई अन्य जानकारी चाहते हैं या संतान सप्तमी की कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री पर हमने आपके लिए वीडियो प्रस्तुत किया है, उसको आप जरूर देखिएगा, जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। वृषाखा नामक नक्षत्र वृश्चिक राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो दक्षिण दिशा में रहेंगे, इसलिए दक्षिण दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी साबित होगा। यदि किसी कारणवश दक्षिण दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो जीरा खा करके यात्रा शुरू कर सकते हैं। राहु काल जो कि दोपहर 1:30 से लेकर के 3 तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया कार्य आपको नहीं करना चाहिए। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव सिंह राशि में, चंद्रमा जो कि वृश्चिक राशि में, मंगल ग्रह सिंह राशि में, बुध सिंह राशि में, गुरुदेव बृहस्पति वृश्चिक राशि में, शुक्र सिंह राशि में, शनि धनु राशि में, राहु मिथुन एवं केतु धनु राशि में रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार वृषभ कर्क सिंह कन्या धनु और मीन ये 6 राशियां महाभाग्यशाली रहने वाली है। इनको धन लाभ हो सकता है, रुका हुआ पैसा इनको मिल सकता है, कार्य क्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारी इनको प्राप्त हो सकती है। राजनीतिक क्षेत्र में यदि ये काम करते हैं तो वहां पर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का भी उत्तम योग इनके लिए बना हुआ है। यदि ये अपना ट्रांसफर चाहते हैं तो इनको ट्रांसफर भी मिल जाएगा, लेकिन पदोन्नति के योग भी इसके साथ बन सकते हैं। तो मित्रों हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।